हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। अब देखिए, यहाँ पे ये जो आपका मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्या है? ये आपका 2015 का पेपर है। किसका? IMO का पेपर है, क्लास 5 का। तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके पेपर में तो आते ही आते हैं, लेकिन मैं आपको 20 क्वेश्चन वीडियो में कराऊंगा पहले, उसके बाद फिर 20, फिर 10 क्वेश्चन जो आपके अचीवर सेक्शन के बचते हैं उन्हें कराऊंगा। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अर्चना शर्मा जी। तो इन्होंने मुझे पे किया 100 रुपीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। चलिए, तो जो भी आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। चलिए मिलते हैं अब क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, आपका क्या है कि इसमें आपको एक पैटर्न कंप्लीट करना है। तो पैटर्न में सही पैटर्न कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कैसे? देखिए, ये यहाँ पे तो ब्लैंक होगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो जब यहाँ पे ब्लैंक होगा तो सिर्फ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ पे भी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम इसको इस लाइन को बनाएंगे ना, तो पहले यहाँ पे सर्किल आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट वाला आएगा। तो ये आपका सही होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन सर्टेन कोड बैच इज ABSDG। तो देखिए, बी से ए हुआ, जैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, BATCH बैच, यहाँ पे लिखूँगा ABSDG। तो देखिए, B से A हुआ -1, A से B हुआ +1, T से S हुआ तो क्या होगा -1, और C से D हुआ +1, और H से G हुआ तो आपका क्या हुआ +1। अब यहाँ पे जो लिखा है फॉर सेक, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो पहले हम माइनस करेंगे। तो एफ से माइनस होगा तो क्या आएगा? ई। ओ से प्लस होगा तो क्या आएगा? ओ पी। और क्यू आर, एस है तो एस के बाद टी आता है, टी के ए के पहले क्या आता है? जेड आता है, के बाद क्या आता है? के एल, और ई के बाद, ई के पहले क्या आएगा? डी। तो इसका क्या बनेगा? EPQ TZLD। इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ये यहाँ पे आपका ठीक होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मिनाल वॉज फेसिंग। तो मिनाल है वो स्कूल की तरफ उसका फेस है। आफ्टर शी मेड अ टर्न, सी वॉज फेसिंग स्विमिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये टर्न लेता है कहाँ पे? स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ से। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने कितने एंगल लिया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। और ये इन्होंने किधर, क्या क्लॉक वाइज घूमा है? नहीं, क्लॉक वाइज तो मतलब जैसे घड़ी चलती है इस तरीके से, तो इसने कैसे घूमा है? इधर, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ये कितना घूमा है? 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन डिसेंडिंग ऑर्डर टू अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो पहला है ट्रिलियन, फिर है आपका बिलियन, फिर है आपका मिलियन, फिर है 1000, और उसके बाद आपका है 100। तो ट्रिलियन आपका फर्स्ट नंबर पे है, और बिलियन आपका 3 नंबर पे है, मिलियन आपका 5 नंबर पे है, और 1000 आपका 2 नंबर पे, 4 नंबर, 13524, 13524 ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए वेन डायग्राम में आपको ये बताना है कि लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन। तो देखिए, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है, जर्मन भी है, तो ये हो जाएगा फ्रेंच और ये हो जाएगा जर्मन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, यहाँ पे आपसे मिरर इमेज पूछा गया है। तो मिरर इमेज में देखिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे तो सभी, पहले तो ये सीधा लिखा हुआ, ये गलत होगा, ठीक है? चारों ऑप्शन आप देखेंगे, इधर देखिए पहला बी तो गलत हो जाएगा, उसके बाद और कौन सा गलत होगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये देखिए उल्टा लिख दिया है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो 2 है ना, तो पहले तो 2 आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए, एस जो है, पी जो है, पी किधर लिख दिया? उल्टा लिख दिया, मतलब
ऐसे लिख दिया है, पी तो ऐसा होगा नहीं, जैसे पी है पी इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे बनेगा, और ये यहाँ पे इसको उल्टा दिए तो सी भी गलत हो गया, बचेगा क्या ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, मोहित करेक्टली रिमेंबर ही विजिटेड केरला बिफोर 12th of June बट 8th of June। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 8 जून के बाद, 8 के बाद ये कब गया और 12 के पहले गया, 8 के बाद गया लेकिन 12 के पहले, तो 8 के बाद क्या आएगा 9, 10 और 11। अब इतना हो गया, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहित विजिटेड केरला आफ्टर 10th of June, 10 के बाद 10 जून के बाद गया और 14 जून के पहले गया, 14 जून के पहले गया, तो 10, 11, 12 और 13। एक मिनट, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बिफोर 12th of June, तो देखिए 12th के पहले गया और यहाँ पे बोल रहा है क्या 14th of June के पहले गया, इसमें तो 12th के पहले गया यानी कि 11, और यहाँ पे भी आपका सेकंड में क्या आ रहा था 11 कॉमन आ रहा था। चलिए एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, देखिए क्या लिखा है, केरला बिफोर 12th बिफोर यानी कि 12 तारीख के पहले 8 तारीख के बाद, तो मैंने लिखा 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी जो सिस्टर है उन वो रिमेंबर कर रही है क्या कि मोहित कब गया था केरला, 10 के बाद और 14 के पहले, तो 10 के बाद, तो 10, 11, 12, 13, 14, लेकिन पहले में कहा था कि ये 12 के पहले गया था, तो 12 के पहले गया था और इधर ये 10 के बाद गया था, तो दोनों में कॉमन क्या है 11 तारीख है, तो 11 तारीख जब कॉमन है तो यही इसका आंसर हो जाएगा 11th day, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, तो देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड डिजिट ये है, थर्ड डिजिट ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 849 चेंज करके लिखेंगे 451 564 593 और हो जाएगा 873। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, तो पहला हाईएस्ट इसमें कौन सा है, पहला हाईएस्ट ये है, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है 593, तो 593 आपका बनेगा, लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है आपका ये वाला 953, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये नंबर आपका थर्ड हाईएस्ट होगा जब हम पहले और दूसरे नंबर को इंटरचेंज करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे ये गलती आप मत करिए कि पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, आप काउंटिंग इधर से ही करेंगे तो 1, 2, 3, तो पहला दूसरा नंबर आगे के ये चेंज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये मिसिंग नंबर हम कैसे करेंगे, देखिए 12 8 जा कितना होता है 96 और 96 में माइनस कर देंगे 12 और 8 को ऐड करके, तो 12 8 कितना होता है 20, तो कितना आ गया 76। अब यहाँ पे करेंगे 39 जा कितना होता है 117 में से किसको माइनस करेंगे 13 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, तो 7 में से 2 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 95। ऐसे इसमें करेंगे 76 का कितना होता है 42 में से 7 और 6 कितना होता है 13, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस ये क्यूब आसान करना बहुत ही ईजी है, कैसे देखिए आपको यहाँ पे कितना फ्लोर दिख रहा है, एक तो एक काउंटिंग लिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखिए ये दूसरा फ्लोर था, इसके ऊपर 2 लिख लीजिए 2 2 2 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख, यहाँ पे 2, ये और ये भी सेकंड फ्लोर है, ये भी से, अब सबको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए दो वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कितना हो जाएगा 22, अब सिंगल वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐड कर लेंगे तो 22 और 7 कितना होगा 29, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 29। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 11 क्या कह रहा है, देखिए पहले इसमें हुआ क्या है कि पहले ये जो बीच वाला फिगर है सबसे बाहर आएगा, सबसे बाहर आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो सर्किल है ये दूसरे नंबर पे आएगा और सबसे अंतिम में सबसे अंदर कौन सा होगा तीसरा वाला फिगर, तो तीसरा वाला फिगर सबसे अंतिम में होगा और यहाँ पे जो सर्किल है सर्किल सेकंड नंबर पे कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है ये है,
सर्किल आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका ये वाला फिगर आएगा सेकंड नंबर पे, और ट्रायंगल सबसे अंतिम में आएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए रोहन एंड कार्तिक आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो रोहन देखिए और कार्तिक क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, रोहन और कार्तिक। सार्थक एंड रोहन गुड इन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो देखिए तीन गेम है, क्रिकेट वॉलीबॉल और बास्केटबॉल तीन गेम है, और क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? रोहन। और बास्केटबॉल भी में भी कौन अच्छा है? रोहन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन तीनों गेमों में अच्छा है, तो कौन हो जाएगा? रोहन, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए इसको कैसे किया गया है। देखिए इस फिगर को हम इससे मैच करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ब्लैक वाला, ये कितने पॉइंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है? दो, एक यहाँ पे था, एक दो। उसके बाद ये जो आपका पॉइंट था यहाँ पे ब्लैक डॉट, ये आपका कितना पॉइंट खिसक गया है? दो पॉइंट ये भी खिसक गया है उस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ पे भी आप इसको देखिए ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ से एक पॉइंट इधर गया एंटी क्लॉक में, और ये क्लॉकवाइज गया इधर। अब हम इसको देखेंगे, इसमें इसके जो एरो है, एरो और इस पॉइंट में कितने का गैप है? एक दो तीन। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखिए इसका आंसर तो आपको बन जाएगा, देखिए इसका आंसर तो आपको बन जाएगा सी। सी बनेगा कैसे, देखिए देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि एरो लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए इन एरो के बीच में तीन पॉइंट का गैप है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा मतलब ऐसा लेटर है जिससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी पे। कैसे, देखिए 5 पे क्या लिखेंगे? एम। 6 पे क्या लिखेंगे? यू। 4 पे क्या लिखेंगे? एस। 1 पे क्या लिखेंगे? सी। 3 पे क्या लिखेंगे? एल। और 2 पे क्या लिखेंगे? ई, मसल। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, सिमेट्रिक फिगर इसमें से कौन सा है? तो ये आपका बनेगा ये वाला फिगर, देखिए इसमें बीचों बीच लाइन खींच देंगे तो सिमेट्रिक फिगर बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 12 में अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.00, और इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.75, इसमें इसका मल्टीप्लाई तो 0.75 प्लस। अब इसमें हमें कितना प्लस करना है, अगर मैं 6 कर दूं तो आ जाएगा 1.50, तो 1.50 और ये दोनों मिलके 1.50, तो 1.50 और 1.50 कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये कितना नंबर लिखा है? 137,211, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या तो आप देखिए इन सभी को ऐड कर लीजिए, या तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, ये और ये दोनों को ऐड कर लीजिए, जितना आए उसमें से फिर यहाँ से माइनस कर लीजिए, या फिर आप ऑप्शन को रख के चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन रख के अगर आप चेक करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 227,800 अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दो क्वेश्चन आज बचे हुए, इनको भी करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए ए प्लस बी दिया है ना, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ए प्लस बी दिया है, कितना दिया है? 14। यहाँ पे कितना दिया है? ए प्लस ए इक्वल टू 12। ए कितना होगा? अगर ए 6 होगा और यहाँ 6 होगा तो 6 बन के क्या बनेगा? 12। ए यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो बी यहाँ पे कितना होगा? 6 प्लस 8, तो बी की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी दिया है, बी प्लस सी दिया है, कितना दिया है? 15। तो बी आपको पता है कितना है? 8। तो सी कितना होगा? 7। 8 और 7 कितना होता है? 15। तो क्वेश्चन इसमें पूछा क्या है, किसकी वैल्यू पूछा है ये? तो इसमें वैल्यू पीछा है सी की, सी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 7।
सी की वैल्यू कितनी थी, 7। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच डिजिट शुड केम प्लेस ऑफ स्टार डिविजिबल बाई 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये आपका क्या है, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4, 6, 0 ये सभी यहाँ पे आ सकते हैं स्टार की जगह पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो मेरा QR कोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है मेरा QR कोड, और अगर आप कुछ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।